कृषि मीडिया एंड टेक किसानों के सपनों को दे एक नई उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित चीमा, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कृषि मीडिया एंड टेक में। जी हां दोस्तों, बहुत सारे किसान भाइयों की आपकी इतनी सारी कमेंट आई, इतने सारे मेल आए कि सर न्यूलैंड 5630 का रिव्यू कीजिए, बट थोड़ी सी मजबूरी कह लीजिए या फिर कुछ भी समझ ले सकते हैं आप इसको, ज़्यादातर एजेंसीज पर ये ट्रैक्टर अवेलेबल नहीं था। बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद आज ये ट्रैक्टर मिला है, तो आज इसका आपके लिए डिटेल से रिव्यू लेकर आ चुके हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इसका डिटेल से रिव्यू भी करेंगे, साथ में आपको इस ट्रैक्टर की ऑन रोड प्राइस भी बताएंगे कि किस प्राइस के अंदर आप इस ट्रैक्टर को ऑन रोड खरीद सकते हैं और क्या कुछ इसके अंदर फीचर मिलते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा शानदार वीडियो है आज की आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों शुरुआत इसकी यहाँ पर करेंगे फ्रंट से, तो फ्रंट में आप अगर देखते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे न्यूलैंड का जो लोगो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प लुक के साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में फ्रंट में ही ब्लैक कलर की जाली लगाई गई है जो कि ठंडी हवा को रेडिएटर तक पहुँचाने का ये काम करती है। साथ में ही फ्रंट में वेट दिया गया है, जेरिकन वेट इसके अंदर दिया गया है दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं। जिसका वेट भी अगर मैं आप लोगों को दोस्तों दिखाने की कोशिश करूँगा तो पहले आप देख लेंगे इसके अंदर 6 प्लेट्स ये लगाई गई हैं और इनका जो वेट है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है 30 kg की एक प्लेट है इसके अंदर, यानी कि 6 प्लेट हैं। आप जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कितना वेट है इसके अंदर फ्रंट में। और दोस्तों अगर इसकी हेडलाइट की यहाँ पर बात कर लेंगे तो इसके अंदर जो हेडलाइट हैं वो इसके अंदर हेलोजन टाइप की ही हेडलाइट दी गई हैं जो कि काफ़ी अच्छी रोशनी देती हैं, काफ़ी बड़े साइज़ की हैं, बट यहाँ पर कंपनी थोड़ा बहुत चेंज कर सकती थी इनके अंदर, लेकिन यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया गया है दोस्तों। अगर साइड प्रोफाइल से बात करते हैं तो न्यूलैंड 5630 की बैजिंग आगे की तरफ TX की बैजिंग मिल जाती है वही टिपिकल स्टाइल के साथ में, और पीछे की तरफ आपको प्लस की बैजिंग यहाँ पर डीजल टैंक की तरफ मिल जाती है। इसी के साथ में दोस्तों अगर मेनली इसके बात कर लेते हैं, यहाँ पर मेनली बात करेंगे इसके इंजन की, तो दोस्तों अगर इसके इंजन की बात हम करेंगे तो 75 हॉर्स पावर का 4 सिलेंडर का इंजन इसके अंदर दिया गया है जो कि 3908 cc का इसके अंदर इंजन ये लगाया गया है। अगर इसके पंप की यहाँ पर फ्यूल पंप की बात करेंगे तो इसके अंदर रोटरी पंप दिया गया है दोस्तों जो कि ऑटो लॉक के साथ में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इसके अंदर सिस्टम लगाया गया है जिसके थ्रू आप जो है चाबी से ही इसको बंद कर सकते हैं और चाबी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा कम्प्लीटली जो इंजन है इसका वो 4 सिलेंडर का इंजन है दोस्तों, टर्बो चार्ज इंजन है। टर्बो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर जो टर्बो है इसकी वो फिटिंग की गई है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो के अंदर, ये जो है इसकी टर्बो है यहाँ पर फिटिंग की गई है, पूरा टर्बो से लैस टर्बो चार्ज इंजन है इसके अंदर। और यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर दिखाने की कोशिश करूँगा तो ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का इंजन है जो कि अपनी मैक्सिमम पावर 2300 rpm पर जनरेट ये कर लेता है। सेल्फ काफ़ी ज़्यादा लंबे साइज़ का यहाँ पर दिया गया है और दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे इसके अंदर तो डुअल डीजल फिल्टर लगाए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे से डीजल को फिल्टर करने का ये काम करते हैं। साथ में अगर आप लोग देखेंगे तो पावर स्टीयरिंग के लिए जो पंप है वो बिल्कुल ही सेपरेट दिया गया है और हाइड्रोलिक्स के लिए जो पंप है वो भी बिल्कुल ही सेपरेट दिया गया है और पावर स्टीयरिंग का जो कंटेनर है पावर स्टीयरिंग के ऑयल का वो भी बिल्कुल सेपरेट इसके अंदर दिया गया है जिससे कि पावर स्टीयरिंग का जो ऑयल है वो बिल्कुल ही अलग रहता है, सेपरेट रहता है और उसके अंदर कोई भी जो है कचरा वगैरह नहीं आता है। साथ में अगर दोस्तों इसकी बात करेंगे बोनेट की तो साइड से ही बोनेट इसका ओपन होता है, मैकेनिकल ऑपरेटेड बोनेट है, कोई भी गैस स्टड इसके अंदर नहीं लगाई गई है। यहाँ पर अगर आप लोगों को मैं खास चीज़ इसके अंदर दिखाऊंगा उससे पहले आप रेडिएटर देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी बड़े साइज का है और फ्रंट में आप देख रहे होंगे इसके अंदर इंटरकूलर लगाया गया है दोस्तों, तो ना ही ये टर्बो के लिए है और ना ही ये इंजन के लिए, ये दोस्तों पावर स्टीयरिंग के ऑयल को ठंडा करने के लिए इसके अंदर इंटरकूलर लगाया गया अलग से जिससे कि पावर स्टीयरिंग का ऑयल जो है वो ठंडा रहे और उसकी जो पावर स्टीयरिंग की सील वगैरह है वो ना कटे। और कूलेंट के लिए अलग से कंटेनर लगाया गया है। बैटरी इसके अंदर फ्रंट में ही दी गई है जो कि एक तरीके से बिल्कुल ही सेफ भी रहती है और वेट का भी कहीं ना कहीं ये दोस्तों काम करती है। इसी के साथ में अगर बात इसके साइड से कर लें तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसके अंदर जो टूल बॉक्स है वो साइड में ही दिया गया है और फाइबर का टूल बॉक्स है जिसके अंदर छोटा मोटा सामान वगैरह आप काफ़ी इजीली जो है कैरी कर पाएंगे, ज़्यादा बड़ा इसके अंदर ये टूल बॉक्स नहीं दिया गया है दोस्तों। अगर इसके यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों फ्रंट टायर की तो इसके अंदर जो फ्रंट टायर आप लोगों को मिलते हैं वो आप लोग देख रहे होंगे 650 BS के फ्रंट टायर हैं और यहाँ पर जो रिम का कलर है वो वाइट ही देखने को आपको मिल जाता है। इसी के साथ में दोस्तों अगर इसके बात कर लेंगे
एयर क्लीनर की, तो इसके अंदर आपको ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट का एयर क्लीनर देखने को मिल जाता है, जो कि प्री क्लीनर के साथ में है, काफ़ी अच्छे से एयर को ये क्लीन कर देता है। और दूसरी तरफ इधर भी आप लोग देख सकते हैं न्यूलैंड 3630 की बैजिंग, और यहाँ पर 12+3 UG गियरबॉक्स की भी बैजिंग इसके अंदर दी गई है। यहाँ पर अगर इसके डीजल टैंक की हम दोस्तों बात करेंगे, तो इसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे इसके अंदर 60 लीटर का डीजल टैंक दोस्तों दिया गया है, जो कि कीलोक के साथ में दिया गया है, जिससे कि आपके ट्रैक्टर से कोई भी डीजल वगैरह जो है चोरी नहीं कर पाएगा। और साइलेंसर भी आप लोग देख पा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश तरीके से इसके अंदर जो साइलेंसर है वो दिया गया है। साइलेंसर के ऊपर जाली भी लगाई गई है, जो कि एक तरीके से प्रोटेक्शन का ये काम करती है। अगर किसी का हाथ वगैरह इसके ऊपर रखा जाता है तो वो जले वगैरह ना, उसके लिए ये जाली इसके ऊपर लगाई गई है दोस्तों। अगर इसके बात कर लेंगे इंजन के साइज की, तो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज का इंजन इसके अंदर लगाया गया है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये इसके अंदर इंजन ऑयल फिल्टर लगाया गया है, जो कि इंजन ऑयल को काफ़ी अच्छे से फिल्टर कर देता है। CNH की ब्रांडिंग मिल जाती है इसके ऊपर भी, और आगे की तरफ रिवर्स PTO का जो लोगो है वो इसके ऊपर देखने को आपको मिल जाता है। अल्टरनेटर की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज का अल्टरनेटर इसके अंदर लगाया गया है, 40 एम्पेयर का अल्टरनेटर है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म इसके अंदर, तो चढ़ने के लिए पायदान आपको देखने को मिल जाता है, और प्लेटफॉर्म इसके अंदर वही सेम 3630 वाला प्लेटफॉर्म है, उसी उतना ही बम्प इसके अंदर दिया गया है दोस्तों। क्लच की यहाँ पर इसके बात करेंगे तो इंडिपेंडेंट PTO के लिए अलग से क्लच देखने को मिल जाता है, डबल क्लच के साथ में है दोस्तों ये। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा इंडिपेंडेंट PTO के लिए क्लच यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है, ये यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, जिसको कि आप जो है इंगेज और डिसंगेज काफ़ी ईजीली कर पाएंगे। बिल्कुल ड्राइवर सीट के लेफ्ट हैंड साइड में ये दिया गया है दोस्तों। और इसके अगर गियरबॉक्स की यहाँ पर बात करेंगे, तो जैसे कि आप लोगों को बता ही दिया था, इसके अंदर 12+3 UG गियरबॉक्स है, और सिंक्रोमैस दोस्तों इसके अंदर पार्शियल सिंक्रोमैस गियरबॉक्स दिया गया है, जहाँ पर कि आपको 12 फॉरवर्ड+3 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। बाद इसके ब्रेक्स की करेंगे तो ओइल इमर्स्ड मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, और पैडल्स यहाँ पर नॉर्मल टाइप के ही दिए गए हैं, और डिफरेंशियल लॉक यहाँ पर आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है, कंपनी मेंटेन कर रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो इसके अंदर डुअल हाइड्रोलिक कंट्रोल मिलेंगे, एक PC लीवर और एक DC लीवर, जिससे कि आप अपने ड्राफ्ट और पोजीशन को काफ़ी इजीली जो है सेट कर सकते हैं। लिफ्टोमैटिक के साथ में इसकी लिफ्ट दी गई है, और यहाँ पर इसके डिस्ट्रीब्यूटर को कंट्रोल करने के लिए लीवर भी इसके अंदर दिया गया है। अब दोस्तों आपको ट्रैक्टर की आवाज़ सुनवाते हैं, ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं, आप लोग सुनेंगे किस तरीके की कैसी आवाज़ देखने को मिलती है। दोस्तों बात अगर करेंगे इसके बैक टायर्स की, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसके अंदर जो बैक टायर हैं वो MRF के ही आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर टायर साइज़ की बात करेंगे, तो बैक टायर इसके अंदर 18-4-30 के आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ में इसके व्हील जो हैं उनके ऊपर भी वेट दिया गया है, आप लोगों को दिखा देते हैं। इसके ऊपर 3 प्लेट्स लगाई गई हैं, जो कि CNH का ही वेट है इसके अंदर। आप लोग देख सकते हैं 55 kg की एक प्लेट है इसके अंदर, यानी कि 3 प्लेट हैं, 1.5 क्विंटल एक तरफ और 1.5 क्विंटल दूसरी तरफ, यानी कि पिछले टायर के ऊपर 3 क्विंटल वेट जो है इसके ऊपर दिया गया है, जिससे कि ट्रैक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बेटर देखने को मिले, और स्लिपेज की दिक्कत ना आए ट्रैक्टर के अंदर। अब चलते हैं इसके पिछले हिस्से की तरफ, और आप लोगों को इसके जो बैक एक्सल हैं वो दिखाते हैं। इसका जो बैक रिडक्शन की बात करें, तो हब रिडक्शन के साथ में है बैक एक्सल जो है इसके, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी इसके अंदर बैक एक्सल बनाए गए हैं, हब रिडक्शन के साथ में है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो इसके हब रिडक्शन है उनका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी बनाया गया है। यहाँ पर अगर इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको 2000 से लेकर 2500 किलोग्राम तक की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है। और यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए दोनों तरफ आप देख सकते हैं चैन सिस्टम और जैक सिस्टम दिया गया है, और एक असिस्टेंट रैम भी लगाया गया है, जिससे इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके। यहाँ पर आप लोग देखेंगे सेंसिंग की बात करेंगे, तो 3-पॉइंट सेंसिंग के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है ट्रॉली वगैरह में लाइट फिटिंग करने के लिए। साथ में ही डबल इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर दिए गए हैं, जिससे कि आप जो है कंप्यूटर मांझा या फिर डंपर ट्रॉली वगैरह जो है काफ़ी इजीली जो प्रेशर से चलने वाले यंत्र होते हैं उनको चला पाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो इसके अंदर पीछे आपको बॉटल होल्डर भी मिल जाता है। और इसी के साथ में अगर दोस्तों इसकी बात करेंगे PTO की, तो इसके अंदर आपको डुअल PTO का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि 540+ रिवर्स ले सकते हैं, या फिर 540+ मल्टी स्पीड PTO भी ले सकते हैं। PTO HP की बात करेंगे, तो इसके अंदर आपको 68 HP की PTO पावर देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसके मडगार्ड के ऊपर देखते हैं, तो न्यूलैंड एग्रीकल्चर का लोगो मिल जाता है, और इसके इंडिकेटर के ऊपर किसान भाई ने प्रोटेक्शन के लिए गार्ड भी लगवाए हुए हैं। और इसके अंदर आप लोग रूफ़ देखेंगे, तो कंपनी फिटेड इसके अंदर रूफ़ आपको मिल जाती है, जिसकी मैं आपको अगर फिटिंग दिखाऊंगा, तो इतनी ज़्यादा हैवी ड्यूटी आपको किसी भी ट्रैक्टर के अंदर रूफ़ देखने को नहीं मिलती है। और ख़ास चीज़ है कि कंपनी फिटेड है,
तो काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ और टेस्टिंग के साथ जो है कंपनी इसके ऊपर इसे फिटिंग करती है, जिसका दोस्तों बेनिफिट भी होता है। बाई चांस अगर आपका ट्रैक्टर पलट जाए या फिर उलट जाए तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में ड्राइवर बिल्कुल ही सेफ रहता है, ड्राइवर को कोई ज़्यादा जो है चोट वगैरह लगने की दिक्कत नहीं होती। तो उस चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी रूफ कंपनी ने यह डिज़ाइन की है। अब दोस्तों इसकी अगर बात कर लेते हैं प्राइस की, तो अराउंड इसकी जो प्राइस है वो 8,60,000 से लेकर 9,00,000 के अराउंड इसकी जो है प्राइस है, जो कि ऑन रोड प्राइस है, जो कि स्टेट वाइज आपको प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी डीलर से भी संपर्क कर सकते हैं। ये थी दोस्तों कंप्लीट वीडियो, रिव्यू वीडियो, जिसके अंदर आपको ट्रैक्टर की आवाज़ भी सुनवाई, कंप्लीट जानकारी ट्रैक्टर के बारे में दी। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो से जुड़ा अगर अब भी आपके मन में कोई भी सुझाव या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी तरीके की शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।